अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम कह रहे थे जीएडी सर्जरी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का टॉपिक, और उसमें जो अगला टॉपिक हमने करना है वो है वॉल्वुलस। वॉल्वुलस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसको करने का मकसद सिर्फ ये कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कॉजेज आ रहे होते हैं ना हमारे सिनेरियो में, वो आपका या तो वॉल्वुलस आ रहा होता है, मैंने बताया, या तो सीए कॉलन होता है। सीए कॉलन की तो अलग से ट्रीटमेंट है पूरी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। या फिर आपका आता है इंटरसेप्शन आता है अगर बच्चे की हिस्ट्री हो, ठीक है, इंटरसेप्शन अलग से आता है, तो उसकी आपको मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। जाहिर है हमारे यहाँ पूछते अगला सवाल मैनेजमेंट और डायग्नोसिस के बाद, तो इस वजह से आपने लाजमी ध्यान में रखना है। अच्छा, वॉल्वुलस होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि आपने डायग्राम भी देखी होगी कि ऐसे करके ना हमारे इंटेस्टिन, सपोज ये आपका मतलब स्मॉल इंटेस्टिन का पूरा ऐसे लूप है, ठीक है, या लार्ज इंटेस्टिन का, व्हाट्स एवर, स्मॉल इंटेस्टिन कर लेते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टिन का ये एक इधर से लूप ऐसे करे कि यूं थोड़ा सा खुद को मजीद मोड़ ले, ठीक है, ये ऐसे मोड़ गया, अभी तक ठीक है, अभी तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई। लेकिन अब इस जगह पर अगर ये खुद के गिर्द ट्विस्ट कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ यूं करके उसकी शक्ल बन जाएगी, ऐसे करके इधर से एक इधर आ रहा होगा और एक इधर जा रहा होगा, ठीक है। ये अगर यूं ट्विस्ट कर जाएगा तो ट्विस्ट करने से क्या होगा, ये जगह नैरो हो जाएगी और आगे की तरफ जो ये पोर्शन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इसको हम क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं कि एक लूप बन गया जो क्लोज्ड है, ठीक है, तो क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है। तो इसको हम कहते हैं कि वॉल्वुलस बन जाना, जो आपके किसी भी एरिया ऑफ गट में बन सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन हमारे पास जो दो बहुत ज्यादा कॉमन है वो एक सीकम के एरिया में और सिग्मोइड कॉलन में, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो वॉल्वुलस इज बेसिकली दिस, कि इट इज ट्विस्टिंग ऑफ द लूप ऑफ द बावल अराउंड मिजेंट्री। मिजेंट्री इसलिए कहते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास ये जो गट है इसकी इस तरफ सपोज मिजेंट्री लगी हुई है, ठीक है, दूसरी तरफ मिजेंट्री नहीं है, मिजेंट्री इज योर पेरिटोनियल कवरिंग, ठीक है, इस तरफ जो लगी हुई है उसको मिजेंट्री कहते हैं। तो हमेशा ये मिजेंट्री वाली साइड से ही मुड़ता है और ट्विस्ट करता है, दूसरी तरफ से नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मिजेंट्री उसे खींच रही होती है ना अपनी तरफ, मतलब खींच तो नहीं रही होती लेकिन वो अटैचमेंट होती है, तो दूसरी तरफ से कर नहीं सकता। तो इसलिए मिजेंट्री के अलाउंग जब वो खुद को ट्विस्ट कर देता है और उसके रिजल्ट में यहां पर ट्विस्टिंग वाली जगह पर कॉन्टेंट्स के साथ साथ सारी मेजर वेसल्स की भी ऑक्लूजन होती है। सारी मिजेंट्री में आपकी वेस्कुलर सप्लाई है गट की, ये जो आपकी मिजेंट्री पेरिटोनियम होती है ना, ये सारी वेसल सप्लाई कर रही होती है गट को। जब यहां पर देखें ये आप मिजेंट्री इधर लगी हुई है, जब ये ट्विस्ट करेगा तो ट्विस्ट वर्क करने वाली जगह पर सारी वेसल्स ऑक्लूड होगी, मिजेंट्री ऑक्लूड होगी, तो हमारे पास इस कंडीशन को हम वॉल्वुलस कहते हैं। जाहिर अगर ऑक्लूडेड रहेगा तो अगला कॉन्टेंट स्ट्रैंगुलेट होके बिल्कुल गैंग्रीन भी बन सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास मैंने कहा कि मोस्ट कॉमन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि आईलियम वगैरह है, या सीकम है, या सिग्मोइड कॉलन है, यही तीन होते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा मोबाइल एरिया ही हमेशा ट्विस्ट हो सकता है। आपका जो लार्ज गट है वो उतना ज्यादा मोबाइल होता है, लेकिन उसका इतने ज्यादा लार्ज गट से मुराद है मेरी के असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलन के, उतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। अच्छा, जो सीकम का वॉल्वुलस है ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है, ठीक है, और इसमें हमेशा जो ट्विस्टिंग होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ये आपका एमसीक्यू आता होता है, याद रखने वाली बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपको समझाऊं। क्लॉकवाइज का मतलब ये कि अगर क्लॉक इस तरह चलती है तो ट्विस्ट यूं करता है, ठीक है, आपका सेकंड में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है। अच्छा, उसमें हमारे पास पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स से ज्यादा करेगा। एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, पेन है, उसके कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग हो सकती है, उसके साथ एक मैस फील हो सकता है आपको, क्योंकि ये सीकम है तो आपको राइट आइलेट फॉसा में एक मैस फील हो सकता है, टेंडर मैस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये जहन में जाता है कि वॉल्वुलस है आपका। आप किस तरह करते हैं, आप उसको एग्जामिनेशन पे आपको फील होता है कि कोई मेल्पेबल मैस है, उसके बाद आप उसका एक्सरे लेते हैं, आपको उसमें थोड़ा और अंदाजा हो जाता है, आप बेरियम एनिमा कराएंगे, बेरियम एनिमा जब आप डालेंगे तो एनिमा लार्ज गट से होता हुआ आएगा लेकिन वो सीकम में नहीं जाएगा, सीकम में जाने वाले पोर्शन में वो बिल्कुल ऐसे करके हो जाएगा, क्योंकि सीकम में आगे वॉल्वुलस पड़ा हुआ ऐसे इस जगह। तो इसलिए आपको बर्ड बीक डिफॉर्मिटी नजर आती है, यहाँ पर बिल्कुल एरिया नजर आते हैं जहां पर बीक की तरह आके खत्म हो जाता है। हमने इसको सिंपली ये करना है कि हमने पेशेंट को डायग्नोसिस बेरियम एनिमा पे आराम से हो जाता है, आप उसको रिससिटेट करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद आपने फौरी तौर पे उसको लेप्रोटोमी करनी होती है। रिससिटेट करने के लिए आपने एनजी ट्यूब पास करनी है, आपने उससे सारे कॉन्टेक्ट निकालने, आईवी लाइन्स डालनी, हाइड्रेशन देनी, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी लेप्रोटोमी करनी है और अनट्विस्ट करना है जो कॉन्टेंट उसका घुमा हुआ है। अब अनट्विस्ट करके उसको छोड़ नहीं देना होता, क्योंकि अगर ये एक दफा मुड़ा इसके दोबारा मुड़ने के चांसेस भी हैं। उसके बाद आप ये करते हैं कि आप इस पोर्शन को फिक्स कर देते हैं लैटरल वॉल ऑफ गट के साथ, स्टिच कर देते हैं, उसको कहते हैं सीकोपेक्सी। पेक्सी हमेशा साथ वाली चीज से जोड़ने को कहते हैं, ठीक है, तो सीकोपेक्सी कर देते हैं। और अगर आपका ये कॉन्टेंट बिल्कुल गैंग्रीन हो चुका था, ये खत्म हो गया था सिग्मोइड, सॉरी आपका सीकम, तो फिर आपको सारा का सारा राइट साइड ऑफ कॉलन रिमूव करना पड़ता है, राइट हेमिकोलेक्टमी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक कट गैंग्रीनस हो गया तो आपको पीछे से ब्लड सप्लाई तो लैगेट करनी है, और ब्लड सप्लाई लैगेट करेंगे तो सारे एरिया की ब्लड सप्लाई लैगेट हो जाएगी, तो आपको राइट हेमिकोलेक्टमी करनी पड़ती है, ठीक हो गया। अच्छा, सिग्मोइड वॉल्वुलस जो है आपका सिग्मोइड कॉलन में हो रहा है। अब ये फीमेल्स में नहीं, ये ओल्ड एज मेल्स में कॉमन है, ठीक है, आपके सिनेरियो के हिसाब से ये बातें आती हैं, इसलिए आपने याद रखना है, ओल्ड एज मेल्स में कॉमन होता है ये, और इसमें हमेशा जो डायरेक्शन की ट्विस्टिंग ऑफ डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है सिग्मोइड में, ठीक हो गया।
ये दो बातें तो पहले आपने याद कर लेनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके पास ना इसमें हमेशा ओल्ड एज जो मेल्स होते हैं कोई ना कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है। सपोज ये क्योंकि पहले कोई सर्जरी हुई थी, एडहेजन बनी हुई और एडहेजन ने खींचा है तो वॉल्वुलस बन गए, ठीक है, एक ये बहुत कॉमन कॉज होती है। उसके अलावा हो सकता है कि उस पेशेंट को डायवर्टिकुलाइटिस चल रहा हो, डायवर्टिकुलाइटिस इज आउट पाउचिंग ऑफ योर लार्ज गट और उसके बाद उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। डायवर्टिकुलाइटिस का मतलब होता है ना आउट पाउचिंग फ्रॉम द लार्ज गट डायवर्टिकुला होते हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो डायवर्टिकुलाइटिस हो जाता है। तो वो भी आपकी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जो कि कर सकती है ये वॉल्वुलस की फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद अगर आपका पेल्विक मीजोकॉलन बहुत लंबा है, मतलब मीजोकॉलन से मुराद होते हैं जो मिजेंट्री आपके सिग्मोइड कॉलन से लगी हुई है, अगर ये लॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि आपका एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है आपके पास के आराम से ट्विस्टिंग हो सकती है। अगर ये छोटी होगी तो ट्विस्टिंग के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगी। तो मतलब ये थोड़ी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इसमें तो कोई ऐसे डेफिनेट कॉज नहीं है, कुछ भी ना हो तो भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका सिग्मोइड कॉलन ट्विस्ट करता है ऐसे करके और ये ट्विस्ट हो गया, ठीक है, अभी ये उतना ज्यादा ट्विस्ट नहीं हुआ हुआ, ऊपर से कोई आईलियम का लूप आता है और आईलियम का लूप इसके गिर्द ऐसे लिपट जाता है इस जगह पे, जब वो लिपट जाता है तो वो इसको मजीद ऐसे तंग कर देता है और मजीद तंग करते तो फिर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस तरह का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होना कि वो सिग्मोइड कॉलन खुद थोड़ा सा ट्विस्ट किया हो और उसके गिर्द आईलियम लिपट गया, उसको कंपाउंड वॉल्वुलस कहते हैं, यानी दो चीजों ने मिलकर एक पूरा वॉल्वुलस बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पेशेंट उसी तरह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स प्रेजेंट करेगा कि पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है और डिस्टेंडेड एब्डोमेन बहुत ज्यादा होगा, मैस आपको फील होगी लेफ्ट आइलिक फॉसा वाले रीजन में, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सेम उसी तरह आप एक्सरे जब कराते हैं एब्डोमेन का तो आपको नजर आ जाता है, इसमें एक करेक्टरिस्टिक साइन होता है आपने नहीं भूलना, ओमेगा साइन। ओमेगा साइन का मतलब होता है, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि आपको ये सिग्मोइड कॉलन वाला जो वॉल्व पोर्शन होता है ये इतना ज्यादा डिस्टेंडेड होता है और एक ही गट का लूप आपको नजर आता है ऐसे करके, ठीक है, यूं करके पड़ा हुआ नजर आता है। ये गट का एक लूप होता है जो पूरा का पूरा जिसने ट्विस्टिंग की हुई होती है, तो ये आपको इतना बड़ा नजर आता है। तो ओमेगा इस तरह का होता है ना, ये ओमेगा की तरह का नजर आ रहा होता है यूं करके, ठीक है। कुछ लोग इसको कॉफी बीन साइन भी कहते हैं, कॉफी बीन्स ऐसे करके होते हैं ना, तो ये उस तरह का नजर आता है। तो कॉफी बीन या ओमेगा साइन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑन एक्सरे ऑफ सिग्मोइड वॉल्वुलस, जब नजर आता है तो इतना बड़ा होता है कि ये आपका पूरा एब्डोमेन में फिल कर रहा होता है। अच्छा, ठीक है, तो आपका ये एक्सरे से ही आप डायग्नोसिस कर लेते हैं, मजीद आप कुछ कराने की जरूरत नहीं होती, दिल करे तो आप सिग्मोइडोस्कोपी वगैरह कर सकते हैं, इवन सिग्मोइडोस्कोपी थेरेप्यूटिक भी होती है। यहाँ पर करते क्या है हम लोग कि हम ना सबसे पहले तो पेशेंट को रिससिटेट करते हैं, वही सारी चीजें देखिए, एनजी ट्यूब से एस्पिरेट किया, आईवी फ्लूइड दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए, नॉर्मल किया, उसके बाद हम पेशेंट की सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी से हम इसलिए भी करते हैं कि अगर हम सिग्मोइडोस्कोप पास करें तो हो सकता है कि वो ट्विस्टिंग अनट्विस्ट हो जाए, मतलब ठीक हो जाए हमारे सिग्मोइडोस्कोप से ही और वो वापस आ जाए गट। लेकिन सिग्मोइडोस्कोपी तभी कर सकते हैं जब इतना मैसिव इनलार्जमेंट नहीं होगी और स्ट्रैंगुलेशन के फीचर्स पेशेंट को नहीं होंगे। अगर हमारे पास और फिर हमारा सिग्मोइडोस्कोपी से फायदा ये होता है कि हम इसको अगर थोड़ा सा अनट्विस्ट कर लेंगे तो गट थोड़ी रिलैक्स होगी और हमें बाद में सर्जिकली उसको ठीक करना ही करना है, हमें ओपन सर्जरी करनी है सिर्फ और सिर्फ हम सिग्मोइडोस्कोपी से थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर बाद में अगर बिल्कुल भी सिग्मोइडोस्कोपी से फर्क नहीं पड़ता तो हमें ओपन सर्जरी करनी होती है। ओपन करके हम पहली बार तो इसको अनट्विस्ट करते हैं, अपनी जगह पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अगला काम ये करना होता है कि हम देखें कि ये वायबल है या नहीं। अगर ये वायबल है तो एक तो तरीका ये कि इसको भी हम लैटरल वॉल से फिक्स कर लें, उसको हम कहते हैं सिग्मोइडोपेक्सी, ठीक है। लेकिन इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा है सिग्मोइड कॉलन में और ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं अक्सर का। तो दूसरा काम हम यही कर सकते हैं कि हम सारे पोर्शन को रिजेक्ट कर दें बीच में से, जो सारा का सारा आपका सिग्मोइड कॉलन है, और उसके बाद ऊपर से जो आपका बच जाएगा डिसेंडिंग कॉलन और नीचे से आपका बच जाएगा रेक्टम, उन दोनों को हम कुछ दिनों के लिए बाहर की तरफ दोनों की कोलोस्टमी कर देते हैं, ऊपर से इसकी कोलोस्टमी कर देते हैं, नीचे से रेक्टम को बाहर लाके उसके भी लूप को जोड़ देते हैं, ठीक है। बाहर आपकी स्किन पे स्ट्रोमास बनाते हैं, दो स्ट्रोमा बनते हैं इसके, ठीक है। और कुछ अर्से के लिए यानी 6 से 8 हफ्ते के लिए हम थोड़े अर्से के लिए कोलोस्टमी इसलिए करते हैं ना ताकि उतनी देर में जो बारीक बाकी गट है वो नॉर्मल हो जाए। तो वो 6 से 8 हफ्ते में नॉर्मल हो जाती है, फिर हम उसको दोबारा खोल के उन दोनों का एनास्टोमोसिस कर देते हैं। फौरन उसी वक्त एनास्टोमोसिस नहीं करते क्योंकि ब्लड सप्लाई में और बाकी सारी चीजों में बड़ा मसला आया हुआ होता है, मतलब चीजें रुकी हुई थी ना पहले, तो उनको जरा ठीक होने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। तो बेहतर तरीका यही होता है कि अगर गट गैंग्रीन है यानी सिग्मोइड कॉलन गैंग्रीनस हो चुका है, फिर तो हमें करना ही यही है ना कि हमने उसको रिमूव करना है। कुछ अर्से के लिए हमने इन दोनों का स्टंप को बाहर लाके स्ट्रोमा बना देना, क्लोस्टोमी कर देनी है, बाहर से मुराद होता है स्किन से बाहर लाके, ठीक है। और आफ्टर 6 to 8 weeks अंदर से उनको दोनों को एनास्टोमोस कर देना है, कॉलन को रेक्टम के साथ। लेकिन अगर आपका गट वाइबल है तो भी यही टेक्निक प्रेफरेबल है ताकि रिकरेंस ना हो, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी को मसला हो के नाश में। थैंक यू।